मैं अपनी बहन मर्जिया पठान जो मुमरा से चल के आई है देश भर में मुसलमान औरतों की, हिंदू औरतों की और संविधान की जो सबसे बड़ी आवाज मेरी बहन, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरी बहन का। बाकी घर की मुर्गी दाल बराबर, तो सौरभ भास्कर जी का क्या ही शुक्रिया अदा करूं। ये कहीं और जाती किसी और के चुनाव में वो लोग शुक्रिया अदा करते, मजा आता। आप लोगों से सिर्फ दो दरखास्त हैं। पहली, लोगों का हुजूम है लेकिन हमारे कारण किसी भी चीता कैंप के निवासी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए रोड पे चलने में। दूसरा, पुलिस प्रशासन, आगे आगे जो भी इलेक्शन कमीशन की टीम है, पुलिस प्रशासन है, ये हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। अगर वो कोई बात हमें बोलते हैं कि इधर से नहीं इधर से, तो उनको पूरा कोऑर्डिनेट मेरे कार्यकर्ता करें। बताओ करोगे नहीं करोगे कार्यकर्ता। तीसरी बात, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। हमारी विचारधारा है मोहब्बत वाली और सना मलिक जी जिस अलायंस की उम्मीदवार हैं उनकी विचारधारा है नफरत वाली। हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान और वो कहते हैं नफरत की दुकान। हम कहते हैं संविधान, वो करते हैं देश को तोड़ने की बात। इसलिए अगर आप मोहब्बत की दुकान को मानने वाले लोग हैं तो याद रखिए हमारे व्यवहार से वो झलकना चाहिए। लोगों को समझाइए कि इस इलाके के अंदर क्या 10 साल में कोई स्कूल नया बना। लोगों को बताइए कि 250 स्क्वायर फीट में रहने वाले मेरे चीता कैंप के लोग, क्या उनके बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनी। आप उन्हें बताइए कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए जो मैटरनिटी सेंटर बना भी था, क्या उस मैटरनिटी सेंटर में कोई डॉक्टर या मशीन है। क्या चीता कैंप का रोड बना। और ये सब जब नहीं बना तो नवाब भाई जो बहुत ही शातिर राजनेता है वो तो पतली गली से निकल लिए मानपुर शिवाजी नगर और मेरी बहन सना मलिक को यहाँ हारने के लिए छोड़ गए। आप लोगों को एक एक व्यक्ति को अजान हो रही है और बताना ही भूल गया, ये लोग बोल रहे थे कि हम 1,500 देते हैं। कल राहुल गांधी जी, शरद पवार और उद्धव साहब ठाकरे ने दिया है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं 1,500 नहीं 3,000 मिलेगा। बता दो भर घर जाके। अब आप यहां से आपको जाना है सांगली। पहले आप सोचते थे यार 400 रुपए आने के 400 रुपए जाने के, आप जाके उससे कह दो कि हमने अपने विधायक फहद को आमदार बना दिया है और महाविकास अघाड़ी की सरकार आ गई है, अब महिलाओं को पूरे महाराष्ट्र में ट्रेवल करने के लिए एकदम फ्री में पास दिया जाए।